How to buy Redmi Note 8 and Redmi Note 8 Pro. How to buy Redmi Note 8 Pro China from China. जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, चाइना से मोबाइल कैसे बाय करें। इस वीडियो के अंदर मैं परफेक्ट डिटेल दूंगा, पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखना, नहीं तो आपको बिना सोचे समझे बाय करोगे, कुछ भी बाय करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, शायद मोबाइल भी आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को याद रखना, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आउट ऑफ कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मोबाइल नहीं, कोई भी प्रोडक्ट आप मंगाना चाहते हो तो इसी ट्रिक जो मैं आपको दिखाऊंगा सेम उसी ट्रिक के थ्रू आप मंगा सकते हो, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम पहले काफ़ी सारा इसमें नुकसान जो उठा चुका हूँ, तब जाके मुझे भी जो इसमें अच्छी बात पता चली उसके बाद ही मैंने इसको जो है बाय किया और मंगवाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। कौन सी वेबसाइट से बाय करना है, कैसे डॉक्यूमेंट देना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कुरियर का फॉलो करना है, कौन सा कुरियर यूज़ करना है, सारी डिटेल अप टू डेट बता दूंगा। कहाँ डॉक्यूमेंट देना है, कैसे करना है, कैसे कस्टम ड्यूटी पे करोगे, कस्टम क्लियरेंस कैसे करवाओगे, आप तक मोबाइल कैसे पहुँचेगा, किसको मोबाइल मिलेगा, कैसे ऑर्डर करना है, किस नाम से करना है, तब मिलेगा, सारी डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। बहुत से सवाल, सिर्फ एक जवाब, एक ही वीडियो, जितना हो सकेगा शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। टेक्निकल गुरु अतुल में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ अतुल डोबरिया। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, ताकि और भी लोग जो है आउट ऑफ कंट्री बाहर से जो है मोबाइल वगैरह कुछ भी चीज़ मंगवाना चाहते हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, 100% 7 दिन के अंदर आपके पास मोबाइल पहुँच जाएगा। ऐसी मैं ट्रिक दिखाऊँगा, आपको थोड़ा सा कुरियर चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट के साथ सब कुछ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये alibaba.com आप देख सकते हो वेबसाइट, alibaba.com आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको Redmi Mobile करके बाय करना है, याद रखना Redmi Mobile इन मोबाइल फोन्स ये सर्च करना है, ताकि आपको सारे मोबाइल के मिल जाएंगे Redmi के। अगर Note 8 Pro बाय करोगे, अगर लेटेस्ट मोबाइल जब भी आप सर्च करोगे तो तुरंत नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो K20 Pro जो मैंने बाय किया था Mi 90 Pro के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हो Note 8 Pro। यहाँ पर आप जो है दो तीन मोबाइल हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, पहले एक ये ओपन करते हैं, उसके बाद एक और कोई सेलर का हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऑर्डर देखिए ओपन हो चुका है, तो आप ये ऑर्डर देख सकते हो, यहाँ पर कॉन्टेक्ट सप्लायर लिखा है, यानी कि आपको ज़्यादा माल चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना होगा सप्लायर से चैट के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी सब कुछ उसको बताओगे तो वो सप्लायर आपको सप्लाई भी कर सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ में आपको सिंगल ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसके लिए हम चलते हैं दूसरे ऑर्डर जो ओपन किया वहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर Redmi Note 8 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो परफेक्टली कम्प्लीटली आपको डिटेल देखनी है, यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है, इंडियन है, ग्लोबल है, मतलब इंग्लिश है, ग्लोबल है, क्या है, सब कुछ यहाँ सारी डिटेल आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद ही बाय करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, 1 यानी कि 64 GB एक मोबाइल मुझे $262 का सॉली मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुरियर में, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कुरियर, याद रखना एरामेक्स और विथ एक्सप्रेस सेलर शिपिंग UPS ये सब चीज़ें जो है आप सिलेक्ट मत करना, नहीं तो आपके पास कभी भी मोबाइल नहीं पहुँचेगा। याद रखना सिर्फ आपको जो है फेडेक्स और DHL कुरियर को ही जो इस्तेमाल में लेना है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना, अदरवाइज़ आप कोई और शिपिंग मेथड जो यूज़ करोगे तो आप तक मेरे ख्याल से कभी मोबाइल नहीं पहुंचेगा। जैसे ही आप ऑर्डर कर दोगे, स्टार्ट ऑर्डर कर क्लिक करने के बाद आपको जो है सारी डिटेल मांगेंगे, सारी डिटेल भर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी डिटेल्स आ जाएगी, मोबाइल का प्राइस सब कुछ दिखाई देगा, साथ में नीचे आपको यहाँ पर एक ऑर्डर रिमार्क, यहाँ पर रिमार्क डाल देना है कि मुझे जल्दी से मोबाइल भेजो, यही कलर चाहिए या फिर कोई भी कलर चाहिए, सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। ओरिजिनल बिल मांगना है, उसके बाद IMEI नंबर भी मांगना है, इस चीज़ को याद रखना। बिल लगभग ओरिजिनल नहीं देंगे क्योंकि उसके पास जो है एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं होता है, तो काफ़ी सारे सेलर्स ऐसे ही होते हैं हमारी तरह जिसके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं होता है, भले ही उसके पास GST CST अपना जो भी हो, लेकिन उसके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा तो ही वो ओरिजिनल बिल देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन ओरिजिनल बिल बहुत ही ज़रूरी होता है कुरियर के ऊपर लगा हुआ, तभी आपको परफेक्ट जो है वहाँ से कस्टम ड्यूटी लगेगी, नहीं तो कस्टम ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, जैसे मैंने किए दोनों मोबाइल में 6,000 कस्टम ड्यूटी लग चुकी है। जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट देख सकते हो, मेरा ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर Realme X2 भी जो है मेक पेमेंट में रखा है, लेकिन वहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर दिए, यहाँ पर मैंने Note 8 बाय किया है,
और उसके बाद मैंने बोला है नोट 8 प्रो बाय किया, उसी प्राइस में मुझे रियल मी X2 भेज दो, तो X2 भी मेरे पास आने वाला है बहुत ही जल्दी। वहाँ पर थोड़ा हॉलीडे का कुछ चल रहा है, 2-4 दिन बाद शायद शिफ्ट होगा। तो जैसे आपको ये मिल जाए, यहाँ से आपको चैट बटन मिलेगा, ये चैट है, यहाँ से चैट करके आप कम्प्लीटली डेली कोऑर्डिनेट कर सकते हो उसके सेलर के साथ, बोलते रहना क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ डिटेल बताते रहना, इस कलर का ये वो कब शिपिंग होगा, सारी डिटेल आपको ये चैट से मिल जाएगी। जैसे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको पेज, यहाँ पर टाइम दिखाई देगा कितने टाइम में शिप होगा, 7-8 दिन का टाइम मांगते, टाइम भी ज़रूर देख लेना ऑर्डर करते समय। यहाँ पर मुझे देखिए ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर मिल गया, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस के साथ, ये एक्सप्रेस DHL में मैंने ऑर्डर किया था, 3 से 13 दिन में जो मिल जाएगा मुझे, $291 में नोट 8 प्रो मिला था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसके सबमिशन की, या फिर अगर ट्रैकिंग की बात करूँ, तो DHL के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ से आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको ट्रैकिंग डिटेल मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है ट्रैकिंग नंबर डालना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने जो आ जाएगा, आप देख सकते हो मेरा अतुल डोबरिया डिलीवर हो चुका है, आप देख सकते हो मेरे नाम के साथ अहमदाबाद राजकोट इंडिया। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो हांगकांग से जो अहमदाबाद राजकोट इंडिया तक ये पार्सल आया, उसके बाद मोर शिपमेंट डिटेल में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल वगैरह मिल जाएगी, प्राइस सब कुछ, सपेट 14 सितंबर को जो मुझे मिल गया था मेरे लोकेशन के ऊपर। ऑल शिपिंग डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो शिपमेंट जो है हांगकांग से निकला था 7 तारीख को, 7 सितंबर को, लेकिन उसके बाद जैसे वो इंडिया में दिल्ली पहुँचा, तो आप देख सकते हो 13 मिनट दिल्ली में, इंडिया में 8 तारीख को ये यहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद कस्टम स्टेटस अपडेट, अब होती है सही जो है आपकी एग्ज़ाम, यहाँ पर सही एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है कस्टम के अंदर क्या चीज़ करनी है, कस्टम डॉक्यूमेंट जैसे ही फाइल हो उससे पहले KYC डॉक्यूमेंट देना है, तो मैं अभी आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ। उसके बाद 9 सितंबर को भी दिल्ली में था, फिर आप देख सकते हो मेरे वहाँ पर शिपमेंट 4 दिन तक फंसा रहा, क्योंकि यहाँ पर सही प्राइस सही पता नहीं चलता है मोबाइल का क्या है, वो कस्टम ड्यूटी सही तरीके से लगा नहीं सकते। आप देख सकते हो कस्टम स्टेटस, क्लियरेंस इवेंट, कस्टम 3-4 दिन तक वहीं पर फंसा रहा, तो ऐसा होता है। आप देख सकते हो दिल्ली में क्लियरेंस प्रोसेस कम्प्लीट हुआ 12 तारीख को क्लियर हुआ, 13 तारीख को ये अहमदाबाद पहुँचा, और आप देख सकते हो 14 तारीख को मेरे डिलीवरी स्टेशन स्टैंड पर आ चुका था, वहीं पर मुझे डिलीवरी हो गया। आप देख सकते हो मेरे नाम पर मुझे यहाँ पर 14 सितंबर को ये मोबाइल मिल गया। अब बात करते हैं KYC की, तो आपको यहाँ पर DHL KYC लिखना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे ही ओपन करोगे वेबसाइट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है इसकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। आप यहां पर देख सकते हो कोई भी चीज़ आप यहां पर सबमिट कर सकते हो, रेसिडेंटली प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, चारों में से कोई भी चीज़ चलेगी। पैन कार्ड मत देना मैं बोलूँगा, क्योंकि वहां पर एड्रेस मेंशन नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा वेरिफिकेशन में। आधार कार्ड दे दो, वोटर आईडी, पासपोर्ट दे दो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपने जिस नाम से ऑर्डर किया है सेम वही नाम होना चाहिए, याद रखना सेम वही नाम होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आप कर पाओगे, यानी कि आपको मोबाइल तभी मिलेगा, याद रखना सेम वही आया होना चाहिए। इंडिविजुअल देख सकते हो यहाँ पर, फिर उसके बाद अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट देना है, प्रोप्राइटर हो या फिर आप कोई कंपनी है, मतलब आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से देना होता है। बस ये थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर क्लोज करके यहाँ से सबमिट करना है, यहाँ पर क्लिक अप, क्लिक हियर टू अपडेट योर, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ईमेल आईडी, कंट्री नेम, मोबाइल नंबर डालना है, वेरिफिकेशन के लिए कोड डालना है, जनरेट OTP करोगे, एक OTP आएगा मोबाइल पर, वैसे ही OTP आप यहाँ डाल दोगे। उसके बाद आपको जो है अपना ट्रैकिंग नंबर सब कुछ डालकर एक अपना कोई भी डॉक्यूमेंट होना स्कैन कॉपी अच्छा सा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उसके बाद ही जो है मोबाइल आपको डिलीवर हो पाएगा। जैसे ही यहाँ पर मोबाइल दिल्ली में यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस में चला जाए, आपको एक चीज़ और करनी है कस्टम क्लियरेंस के टाइम। कस्टम स्टेटस से होने के बाद जैसे ही आपको पता चले या मैसेज आएगा कि कितनी ड्यूटी पे करनी है, जैसे ही मैसेज आए आप ब्लू डार्ट में, मैं आपको जो स्क्रीन में नंबर दिखा रहा हूँ उसी नंबर पर आपको दोबारा कॉल करना है, कोई रिंगटोन मतलब नहीं बजेगी, डायरेक्ट कॉल ही सीधा उठा लेंगे, मतलब बहुत ही फास्ट सर्विस है DHL की, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है ये सर्विस। तो वो नंबर जैसे कॉल उठाएंगे आपको अपना जो है ट्रैकिंग नंबर वगैरह सब कुछ देना है, ट्रैकिंग नंबर जैसे ही आप बता दोगे वो आपको तुरंत जो है बोल देंगे पेमेंट आपको इतना इतना करना है, आप बोल देना मैं कैश ऑन डिलीवरी दूंगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको ऑनलाइन देने के बाद आपके पास जब कुरियर बॉय आएगा तब भी आपको सेम वही डॉक्यूमेंट दिखाना है ओरिजिनल, तभी आपको कुरियर देंगे।
तो उससे अच्छा ये रहेगा कि आप जो कैश ऑन डिलीवरी करवा लो, आपके पास जब आएगा तो उसको बोल देना जब मेरे पास कुरियर बॉय लेकर आएगा ना डिलीवरी पार्सल, तब मैं उसको पे कर दूंगा। ये एक रिमार्क देना है आपको, जब आप रिमार्क दे दोगे तभी वो पार्सल जो दिल्ली से आगे शिफ्ट होगा, नहीं तो बहुत ही कम ऐसा होगा कि आपके अहमदाबाद या जैसे मेरा राजकोट सिटी है वहाँ तक पार्सल पहुँचेगा ही नहीं। याद रखना, आपको सारे अपडेट देते रहना है तभी वो पार्सल आगे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे या फिर नहीं करोगे, तो इसीलिए वो पार्सल जो है आपका शिपमेंट जो है DHL रोक देता है कई बार, तो इस चीज़ को याद रखना बस ये सारी चीज़ें। अब आपने वेबसाइट देख ली, कैसे ऑर्डर करना ये भी देख लिया, सबसे पहली 5 इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना, नोट करना, पेन लेके नोट कर लेना याद ना रहे तो, नहीं तो इस वीडियो को अपने सेव लिस्ट में जो है स्टोर कर देना, हाउ टू बाय फ्रॉम चाइना मोबाइल, जो भी करना हो ऐसे करके प्ले स्टोर प्ले लिस्ट में स्टोर कर देना। पहली बात, आप जिस नाम से ऑर्डर कर रहे हो उसी नाम का सेम डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इस चीज़ को याद रखना। आपके नाम पर ये अगर ऑर्डर कर रहे हो तो एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो नेम ऑर्डर में दिया है सेम वही नेम आधार कार्ड में होना चाहिए, दोनों में सेम एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस वेरिफिकेशन करेगा ब्लू डार्ट कुरियर, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन सेलर जो है वो कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा। दूसरी बात, जैसे ही दिल्ली में पहुँचे ऑनलाइन ट्रैक करते ही तुरंत आपको जो है DHL कुरियर में कॉल करना है। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में DHL कुरियर का नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जैसे आप कॉल करोगे ऑन द स्पॉट वो लोग कॉल रिसीव करेंगे, कोई रिंगटोन नहीं बजेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा कॉल उठाएंगे, सीधा आपको ट्रैकिंग नंबर देना है, सारी डिटेल मांगेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद डिटेल देंगे। जैसे ही कस्टम क्लियरेंस में जाए आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे ही शिपमेंट हांगकांग से निकले तुरंत आप अपना जो है ट्रैकिंग नंबर डाल के, जो मैंने KYC डॉक्यूमेंट दिखाया ना, सीधा वहाँ पर जाकर आपको KYC डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है ट्रैकिंग नंबर के साथ, वेरिफिकेशन मांगेंगे, ईमेल आईडी मांगेंगे, कर लेना, तुरंत आप वहाँ पर सबमिट कर देना, ताकि जैसे ही दिल्ली में कुरियर पहुँचे आपकी एक डॉक्यूमेंट फाइल जो है कस्टम ऑफिस में आपका पार्सल के साथ ही ऑन द स्पॉट ब्लू डार्ट कुरियर अटैच करके वहाँ पर दे देगी। जैसे ही वो फाइल वहाँ पर चली जाएगी आपका पार्सल एक दिन भी नहीं रुकेगा, तुरंत वो वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा डॉक्यूमेंट में। लेकिन कस्टम ऑफिस में कभी कभी 4 दिन तक रुकता है कि उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट की 8 की और 8 प्रो की प्राइस क्या है वो पता नहीं होती है, किस प्रोडक्ट की प्राइस पता नहीं होती, इसलिए वो लोग GST या टैक्स जो लगाते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, वो लगाने में थोड़ा टाइम लगता है उसको चेक करने में, वेरिफिकेशन में। यहाँ पर देखो मेरी बात, नोट 8 प्रो मैंने मंगाई इसमें 5,700 ड्यूटी लगी, क्योंकि 21,000 में मुझे मिला था, लेकिन मुझे यहाँ पर ये 13-14 हज़ार रुपये 2-3 हज़ार ज़्यादा देकर, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड है चाइना से बाय किया, फिर भी यहाँ पर मुझे 5,600 कस्टम ड्यूटी लगाई, दोनों में सेम प्राइस में काफ़ी अंतर है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की, कि उसको प्राइस की कुछ पता नहीं है, जैसे जो मर्जी होगा वो आपको जो है कस्टम पे ड्यूटी लगा देंगे। याद रखना, कस्टम ड्यूटी अपनी मर्जी से भी लगा देते हैं, जो मर्जी हो, यानी कि आपको तो पता है हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है क्या नहीं, यूनाइटेड स्टेट की तरह नहीं कि जो चीज़ परफेक्ट है वही लगाए। मैंने कंप्लेन किया था इसमें 8 प्रो के अंदर भी कंप्लेन किया कि भाई आपने कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगाई है, कोई रिप्लाई नहीं मिला, आपको भी करके कोई फ़ायदा नहीं है, शायद कर सकते हो, शायद बेनिफिट मिल जाए, कोई अच्छा कस्टम ऑफिसर होगा तो आपकी कंप्लेन रीड करेगा, मेरी कंप्लेन किसी ने नहीं सुनी, मैंने ब्लू डार्ट में भी की, कोई बात नहीं जाने दो, अगर ऐसे ही करता रहूँगा तो और लेट हो जाऊँगा वीडियो में, मैंने छोड़ दिया। जैसे ही आपकी फाइल कंप्लीट होगी टैक्स पे होगा, टैक्स पे होने ही होते ही तुरंत आपको दोबारा ब्लू डार्ट में कॉल करना है, DHL में कॉल करके ये बताना है कि मैं कस्टम ड्यूटी कैसे पे करूँगा। अगर आप ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी पे करोगे आपको एक मैसेज आ जाएगी मोबाइल के अंदर, सेम उसी मोबाइल नंबर में आपको वहाँ से लिंक मिलेगा, क्लिक करके तुरंत आपको जो है आपके सारे सामने सारे डिटेल आ जाएंगे टैक्स वाले सब कुछ। अगर उस डिटेल से आप अगर पे करना चाहते हो जिसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स सब कुछ लिखा होता है, चार्जेस सब कुछ, अगर वहाँ से पे करोगे तो जब आपको कुरियर डिलीवरी देने आएंगे उस समय सेम वही डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, अदरवाइज आपको ऑनलाइन ड्यूटी पे नहीं करनी है, कैश ऑन डिलीवरी करनी है जब कुरियर बॉय आए आपके वहाँ DHL, तो आपको उस टाइम वहाँ पर डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर कैश भी आप दे सकते हो। अगर DHL चाहेगा तो उस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं भी मान सकता है, नहीं भी मांगेगा, तो इस चीज़ को याद रखना, बस ये चीज़ें ध्यान में रखना, आपको डिलीवर कर जाएंगे पार्सल, आपको कंटिन्यू जो है DHL और आउट ऑफ कंट्री में दोनों जगह पर जो है कंटिन्यू फॉलोअप लेना है। 100% ओरिजिनल बिल चाइना वाले नहीं देते, वहाँ से नॉर्मल बिल देते, सिर्फ मोबाइल वोबाइल लिखा हुआ झूठा फेक बिल दे देते, ओरिजिनल बिल आपको नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर वो लोग एक्सपोर्ट, काफ़ी सारे सेलर जो है एक्सपोर्ट में
नहीं कर सकते, तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो इसलिए वो लोग बिल नहीं बना सकते, शायद काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। दूसरी सबसे बात जरूरी बात, आपको नुकसान कैसे होगा। मैंने आज से 3-4 साल पहले सोनी एक्सपीरिया जेड HTC सेंसेशन XL यानी कि ये 5-6 मोबाइल मंगाए थे, जिसकी अमाउंट थी टोटल 70,000 रुपये, 70,000, याद रखना। इतने रुपए मैंने पे करके वहाँ से मोबाइल मंगवाए, और वो गलती मैंने ये की कि मैंने इंडियन स्पीड पोस्ट, इंडियन EMS, उस जो सारी प्रोसेसिज आती है, मैंने जो दिखाई उसको सिलेक्ट किया था कि मुझे कुरियर चार्ज कम मिले, कम लगे, मैं यहाँ पर और लोगों को जो है मोबाइल सेल कर सकूँ, इसलिए मैंने कम प्राइस में लगाया। लेकिन जैसे वो मेरे इंडिया में आया, यहाँ पर मेरे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर मेन अहमदाबाद, यहाँ गुजरात का मेन अहमदाबाद है, जहाँ पर इंडियन फॉरेन पोस्ट ऑफिस होती है, वहाँ पर रुक गया। आपके हर एक स्टेट के अंदर, एक मेन सिटी के अंदर एक फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पर वो पार्सल रुक जाता है। अगर इंडियन पोस्ट से मंगवाओगे, अगर वहाँ पर रिसीव करने या छुड़ाने भी जाओगे, तो आपको एक पूरी लंबी लिस्ट दे देंगे, ये लो इतना इतना डॉक्यूमेंट दे दो, इम्पोर्ट टैक्स, ये आईडेंटिफाई, ये वो पासपोर्ट, सब कुछ दे दो, आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हो गए ही नहीं। अगर आप नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल एक आम आदमी की तरह मंगाते हो, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3-4 डॉक्यूमेंट दे पाओगे, लास्ट में अपना एक फोटोग्राफ दे पाओगे, बाकी और कुछ नहीं दे पाओगे। वहाँ पर 15-20 डॉक्यूमेंट देना होता है, तब जाके वो रिलीज़ करते हैं, और रिलीज़ भी ऐसे करते हैं कि 10,000 का मोबाइल हो। तो मुझे तो यहाँ पर बोला 10,000 का मोबाइल है, 300% आपको जो है भरना पड़ेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप एग्री हो, 10,000 का मोबाइल आपको 40,000 में पड़ेगा, आपको चाहिए, मैंने बोल दिया रिटर्न कर दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो फ़ोन रिटर्न सेलर के पास भी नहीं आया, नहीं गया, बॉम्बे गया, बॉम्बे इंडियन पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट का काम तो गवर्नमेंट ऑफिसर ही जाने, आपको भी पता है, वहाँ से वो पार्सल में से मोबाइल भी गायब हो गया, चोरी हो गया, वहाँ से चाइना भी नहीं गया, मेरा पैसा डूब गया। वहाँ पर सेलर को जो है अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट उसको पेमेंट मिल गई, मुझे यहाँ पर पार्सल नहीं मिला, मेरा पेमेंट गया, यहाँ से 20 में से चोरी कर लिया 5 मोबाइल किसी ने, तो ये सारी चीज़ें होती है। 2 बार मैं यहाँ से 250 किलोमीटर दूर गया, वहाँ पर पार्सल वहीं पर पड़ा था, लेकिन मेरे को नहीं दिया, बोला इतना कस्टम ड्यूटी पे करो। अब आप खुद ही बताओ, इतना कस्टम ड्यूटी कोई नहीं पे करेगा, इससे तो अच्छा है DHL में मंगाओ, 28% आपको जो है कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। हर एक कंट्री का अलग अलग कस्टम ड्यूटी होता है, याद रखना, यूनाइटेड से मंगाओ या फिर लंदन से मंगाओ, हांगकांग, चाइना, जापान, कहीं से मंगाओ, तो हर एक कंट्री के वाइज मुझे इतना पता है कि अलग अलग जो टैक्स वाइज कुछ अलग अलग होता है। मेरे ख्याल से DHL के अंदर मुझे कॉल सेंटर में भी बताया गया था कि आप कहाँ से पार्सल मंगा रहे हो, तो मैं ज़्यादातर हांगकांग, चाइना से ही मंगाता हूँ, तो मुझे उसका पता है कि वहाँ से 28% टैक्स लगता है। दूसरे कंट्री का तो मुझे ध्यान नहीं है, आप चाहो तो DHL में जो कॉल नंबर दिया वहाँ से भी पूछ सकते हो एडवांस में कि वहाँ से अगर मैं कुरियर मंगा रहा हूँ तो कितना टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बस इसको एक बार दिमाग में फिट कर लो, आप जो है कोई भी चीज़ मंगा सकते हो। लेकिन याद रखना, मैंने जो वेबसाइट दिखाई उस वेबसाइट से कभी कोई प्रोडक्ट बाय मत करना सिवाय मोबाइल के। वहाँ पर रिफरबिश मोबाइल मिलते हैं, ग्लोबल वर्जन, चाइनीज़ वर्जन, सब कुछ मिलता है। प्योर चाइनीज़ वर्जन ले लोगे, अगर इंग्लिश भी नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ पर ऐसे ऐसे मोबाइल, ऐसे ऐसे चार्जर्स इतनी हाईफाई डिज़ाइन से बनाए हुए होते हैं, आपको लगता है क्या जेन्यून प्रोडक्ट है। लेकिन कभी कोई बाय मत करना, मैं 3 साल में बहुत से प्रोडक्ट बाय कर चुका हूँ, एक भी प्रोडक्ट ढंग का नहीं निकला, याद रखना। वहाँ पर बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी अच्छी है तभी बाय करना, जैसे बेसूस हो गया, नीलकिन हो गया, कोट्रेक्स हो गया, ऐसी बहुत सी अलग अलग ब्रांड है जो स्टैंडर्ड ब्रांड है, अगर उसकी प्रोडक्ट आप बाय करोगे तो बेस्ट है, बाकी कोई मोबाइल एसेसरीज आप बाय मत करना। वहाँ से आपको पूरा ऊपर से नीचे पूरा पेज पढ़ लेना, अगर मोबाइल का बाय कर रहे हो, रिफरबिश नहीं है ना, सब कुछ देख लेना, स्क्रैच नहीं है, डेंट नहीं है, कैमरा में कोई भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ वहाँ पर बिकता है, याद रखना। दुनिया का हर एक कचरा और हर एक नई चीज़ अली एक्सप्रेस में मिलती है, याद रखना। वहाँ से इंडियन वेरिजोन, US वेरिजोन, AT&T सब मोबाइल मिलते हैं, लेकिन बाय करने से पहले सोच लेना, वेरिजोन, AT&T यहाँ पर नहीं चलेगा, अगर यहाँ पर कोई अनलॉक कर देगा तभी सिम लगा कर चला सकते हो। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ये कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, मैंने सारी डिटेल ऑलमोस्ट दे दी है, अगर कोई और डिटेल बाकी हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, बहुत से लोगों को काम आएगी ये वीडियो, याद रखना। ऐसी वीडियो, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको YouTube में कहीं पर नहीं है, याद रखना, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ढूंढ लो, चाहे जो करना हो कर लो। चलो, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।